मनु, डिनर तक पहुंच जाओगी ना? ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तुम खा लो। रोड बहुत खराब है, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। जल्दी का काम शैतान का, वो भी खासकर इस वक्त। आराम से ड्राइव करना। डोंट वरी मनु, हम दोनों सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। डार्लिंग, मैं इस वक्त एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पहुंचने से पहले उसे खत्म कर दूं। ओहो, क्या हुआ रश्मि? बातों बातों में गलत टर्न ले लिया, पेडिया रोड के बजाय मैं गलती से कमरट्टू रोड पर आ गई। अच्छा मैं फोन। हेलो हेलो, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से गाड़ी निकालो। जी पांडू, बोलो ना क्या हुआ? पांडू, what's wrong? बताओगे क्या हुआ? Seriously पांडू, तेरा नाम भोंदू होना चाहिए था, भोंदू। डॉगी से डर गया, अब चलो। चलो ना पांडू। मैं नहीं आने वाला, अगर कुत्ता इतना खतरनाक है तो संध्या, इसका मालिक तो कितना खतरनाक होगा। और संध्या सोचो, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों फ्रॉड कर रहे हैं तो हम दोनों को मार डालेगा। डर के आगे जीत तक पहुंचने का तरीका जानती हूँ, एक बुक में पढ़ा था मैंने। बेसिकली तुम्हें ये करना है कि अगर किसी इंसान से बहुत डर लगता हो तो एक बार को इमेजिन कर लो कि वो बिना कपड़ों के खड़ा है। ओके, अच्छा सुनो, बिना कपड़ों के क्यों? अच्छा सोचो, नारियल दिखने में बाहर से बहुत सख्त लगता है ना, लेकिन नारियल को छीलकर काटने के बाद अंदर क्या मिलता है? नर्म नर्म मलाई। उसी तरह हो सकता है ना कि ये खतरनाक आदमी अंदर से खतरनाक ना होकर बिल्कुल नर्म हो। नर्म मलाई की तरह? नहीं ये डियर, नर्म दिल कहो। साहब जी, मेम साहब पूछ रही है नाश्ते में क्या लेंगे। बेवकूफ कहेगी, घड़ी देखी है? लंच का टाइम हो गया है, किसी काम की नहीं है। 11 बजे नाश्ता याद आ रहा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सोबर्स, संध्या भार्गव। तो वो तुम हो, फोन कर करके परेशान कर रखा था। किस सब्जेक्ट पर मूवी बनाना चाहती हो? बेस्ट सेलर हवा की परछाई के राइटर अनुष्क की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री। ये घोंचू कौन है? सर पांडू। शक्ल सही दिखता है। बिना कपड़ों के देखो, बिना कपड़ों के देखो, बिना सर, इसका असली नाम नीलेश है, फिल्म के डायरेक्टर यही होने वाले हैं। क्या कहा? डायरेक्टर? स्कूल का प्यून भी इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। सर, आने वाले हफ्ते में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो क्या करूं, इस बात पे जोर से नाचूं? डांस पार्टी सैटरडे को है, दोस्तों को बोल के आज रखवा।
मिस्टर सोबर्स, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनसे मिलना चाहूंगी मैं। अरे वो अनुष्कु ना फोन पे, ना मेल पे, ना ट्विटर पे, ना व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट रखता है। मिस्टर सोबर्स, अनुष्कु एक वर्ल्ड अक्लेम्ड नॉवलिस्ट है, कई अवार्ड्स जीते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उनके थॉट्स, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फिलॉसफीज लोगों तक पहुंचे, और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। फिलॉसफी छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता अनुष्कु एक आदमी है या औरत, नाम भी असली है या नहीं। ये पता करना तो बहुत ईजी है सर, हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए। कपड़े उतार कर तो मैं खुद ही बता दूंगा, इसमें डायरेक्टर की क्या जरूरत है इडियट। सच कहूं तो ना मैं उससे कभी मिला हूं, ना उसकी फोटो देखी और ना ही उसकी आवाज सुनी है। अगर ऐसा है तो इतने सालों से उसके नॉवेल्स आप किस तरह पब्लिश करते आ रहे हैं? आज तक उसने अपनी हर स्क्रिप्ट बाई पोस्ट यहाँ भेजी है, ना वो कभी आया ना कभी मैं उसके पास गया। फिर तो सर आपके पास उनका एड्रेस होगा ना? अगर मुझे उससे कुछ कहना हो तो लेटर उसके पोस्ट बॉक्स पर भेजता हूँ। आप मुझे उस पोस्ट बॉक्स नंबर का एड्रेस बता सकते हैं? संध्या ना, मैं उसे तुम्हारे बारे में लेटर में लिख के भेजूंगा, बाकी जवाब का इंतजार तुम करना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो परमिशन दे देगा। ए, तुम्हारे अंडे नहीं उबले अभी तक? अरे अंडे नहीं तो जहर ही दे दे, सुकून से जीने नहीं देती, कम से कम सुकून से मरने तो दे। मिस्टर सोबर्स, थैंक यू सो मच। तो अब हम निकलते हैं। मैं भी निकलूंगा, ऑफिस निकल रहा हूँ। मुर्गी ने चार अंडे और दे दिए होंगे। ए, मेरा आशीर्वाद लेगा तो जल्दी मरेगा। सर, आपके पैरों में जन्नत है सर। जल्दी तेरा कल्याण हो। गौतम, मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, अपने पसीने वाले हाथ हटाओ। कौन सी बड़ी बात है, फिर से नहा लेना डार्लिंग। प्लीज गौतम, चलो जल्दी जाओ नहा के आओ, और प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। ओके, नहाने के बाद मेरे पास मत आना, हाथ भी मत लगाना। ज्यादा मत उड़ो, तुम्हारे नए नॉवल की प्रूफ रीडिंग कर ली है, एनवेलप पे एड्रेस भी टाइप कर दिया है। गौतम, एप्पल खाने से पहले हाथ तो धो लेते यार। शेर को कभी पंजे धोते हुए देखा? हाथ तो बंदर भी नहीं धोते। कोई फायदा नहीं है, सारे प्रिंट आउट उस कवर में रख दिए हैं। तुम्हें नॉवल के कवर पेज के लिए पेंटिंग फाइनल करनी है, ठीक है? यानी पेंटिंग कंप्लीट? कम ऑन शो मी। उससे पहले नहाना पड़ेगा। अगर तुमने अभी नहीं दिखाई तो तुम्हें हक कर लूंगा। ठी, तो फिर देख लो, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। हरिणी? ये हरिणी कौन है? वो कल शाम को एक नेबर आई थी, उसका नाम हरिणी है, जाते वक्त भूल गई। वो आएगी तो मैं उसे वापस कर दूंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक नजर मार लूं जरा। दूसरों की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं। ये पेंटिंग देख लो, देखो नॉवल का टाइटल इस पेंटिंग से मैच करता है या नहीं। प्रेजेंटिंग जीवन एक लहर। इट्स ब्यूटीफुल, जीवन एक लहर, तूफान में उमंग, ढलान में दर्द, जीवन एक लहर। सच कहूं, मैंने इसे बनाते वक्त इसके बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। अब जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। एक छोटी सी बात है मन में। वो क्या? अगर तुम भी मेरे साथ नहाने चलोगी तो नहाना कंप्लीट हो जाएगा। गौतम! सर, सर, आइए आइए सर। सर आपके हाथ में क्या है? सर दीजिए सर, मुझे मैं हूँ ना, मैं पकड़ूंगा, मैं हूँ ना। क्या सर, आप भी सर 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 सर। पार्सल, इसे बेंगलुरु भेजना है। बेंगलुरु क्यों, ब्रिटेन भी भेज दूंगा सर, मेरी सब जगह जान पहचान है सर। आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम, सबको जानता हूँ। पार्सल भेजना होता है तभी दिखाई देते हो। पोती के लिए है? हाँ, उसका बर्थडे है इसीलिए ये गिफ्ट लाया। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाओगे। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए घर से थोड़ा कम ही बाहर निकल पाती है। ओ, फिर तो रेस्ट करना चाहिए, किसी दिन हम ही उससे मिलने आ जाएंगे। श्योर, चलता हूँ।
नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ? फिर से वही बुरा सपना आया। इंदु रिलैक्स, इतनी सी बात पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें फिर से डर लगे तो मुझे याद कर लेना। काश मेरा कंट्रोल होता। गौतम, नाक से खून निकल रहा है। अब रुक गया। गौतम, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? जमीन आसमान कुछ भी मान लो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली ने उसी वक्त अपना नेटिव प्लेस छोड़ दिया था। लोग कहते हैं वहाँ एक भूत मंदिर है। मेरे दादा जाते समय मंदिर का सोना अपने साथ ले गए। हमारे परिवार से उसके बाद कोई गांव वापस नहीं गया। भूत की पूजा यानी बेंगलुरु की एक प्रथा। प्रेत के वेश में लोग डांस करते हैं, करेक्ट? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें दक्यानुसी और अंधविश्वासी लगती हैं, लेकिन गांव छोड़ने के बाद एक एक करके मम्मी पापा दादा दादी सबकी डेथ हो गई। लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा मिसकैरेज हो गया और एक बार तुम्हें खोते खोते बची हूँ। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। अपने गांव वापस जाके उस मंदिर में भूत देव की आराधना करके मंदिर से लाया सोना वापस वहीं रखना चाहती हूँ। इन मौतों के पीछे भूत देव का हाथ है तो ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये सब महज एक कोइंसिडेंस हो, बट आई डोंट केयर। मैं चांस नहीं लेना। कब जाना चाहोगी? मेरी खातिर चलो प्लीज। क्या कहा? जहां जाकर तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारा टेंशन कम हो जाए, मैं वहां तुम्हें जरूर ले चलूंगा। कल दोपहर 2 बजे की ट्रेन है। मैंने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर दी हैं। ओह, तुम्हें यकीन था कि मैं राजी हो जाऊंगा? 100%। वहां पहुंचने के बाद? एक सेकंड रुको। इसमें क्या है? खोल के देखो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे एक हाथ पर कमल का चिन्ह तो है ही, अब दोनों हाथों पे हो जाएगा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? कमरुट्टो। हो गया, अब हम जाएं? इतनी जल्दी भी क्या है पांचाली, सुहागराती तो मनानी है ना, उसके लिए तो अभी बहुत टाइम मिलेगा। अब पांडू को कैद तो कर ही लिया है, यानी इसकी आजादी तो गई। घर गृहस्थी के चक्कर में घन चक्कर बन जाएगा, यानी आज ही का एक दिन है हमारे साथ बिताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन इतना मत डराओ। पांडू, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें सच में पसंद है या फिर चाकू दिखाने की वजह से तुम डर के मारे राजी हो गए? कोई मर्डर से मरे या सुसाइड से, पहुंचना तो ऊपर ही है। वाओ पांडू, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अमेजिंग है। पांडू, वो क्या है ना, कार सर्विसिंग में दी है ना, तो 2-3 दिन से पहले नहीं मिलेगी। तुम अपने हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? ऊटी। नीलेश नहीं। क्यों पूछा? मेरी गाड़ी में बैठ जा, हम बजाएंगे पाम पाम। हमें डिस्टर्ब कर रही हो, शर्म नहीं आती? इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो पांचाली? या तो इसे पांचाली कहना बंद करो या मुझे पांडू बुलाना छोड़ दो। घर में महाभारत शुरू करवानी है, मॉडर्न निकनेम दो ना। शक्ल से जैसे दिखते हो वैसा ही नाम दूंगी ना। ऊटी पहुंचने के बाद कोई और प्लान है या फिर कबाब में हड्डी बनकर रहोगी? थैंक्स फॉर द इनवाइट पांडू, पर और बहुत काम है मेरे पास। कौन सा काम जो हम दोनों से भी इम्पोर्टेंट है? एक आर्टिकल पर काम कर रही हूँ, उसके कुछ लीड्स मिले हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। ये उस मिस्टीरियस राइटर के बारे में तो नहीं? क्या नाम है उसका? अनुष्को। अरे हाँ, तुम लोग तो सारा वक्त रिजॉर्ट में बिजी रहोगे, कार मैं ले जाऊंगी, ठीक है? और हमें कहीं जाना होगा तो? तुम बेडरूम से बाहर कदम नहीं रखने वाले। शर्म आ रही है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें यहाँ मिलने वाला है? उम्मीद तो है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और शिफ्ट हुआ। आगे नाव से जाना पड़ेगा, बोट मिल जाएगी, ठीक है साहब? ओके, थैंक यू। 92, 93, 94 नदी के उस पार ले चलोगे? ये 95 सर। और ये 96 क्या है? अरे ये क्या? क्या हुआ?
हमें वहां ले जाओगे? थैंक यू भैया। हेलो भैया, तुम ये रुको, मैं बात करके आता हूँ। ओके। ओ भैया, भैया नमस्ते भैया, गाड़ी में बैठिए। मेरा सामान वहां रखा है। वो ले आते हैं। भैया रास्ते में कहीं अटक गए थे? पूरे 3 घंटे लेट आए हैं, कुछ हुआ था क्या? यहाँ की सड़कें बहुत उबड़ खाबड़ हैं। ऊपर से पेड़ गिरा हुआ था। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क नहीं था। भैया जी यहाँ आके मोबाइल डिब्बा बन जाता है। आपको पता है पहले वहाँ ऊपर एक टावर लगाया था, 2 साल पहले बिजली गिरने से जल गया, आज तक यहाँ नेटवर्क नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? रफीक। रफीक, सही सुना। कहाँ रहते हो? बस यही उस तरफ, अगर 2-4 गुलाटी खाऊंगा सीधा घर में लैंड करूंगा। ये कमरूटू हाउस यहाँ से कितनी दूर है? जंगल से सीधा रास्ता है, अगर आप जीप से जाओगे तो कुछ आधा घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ के रास्ते इतने पथरीले हैं, बाप रे बाप, गड़गड़ गड़गड़ गड़। सिर्फ नाम की सड़क है। हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो कमरूटू और परला का एक चौराया मिलेगा। उस चौराहे से कमरूटू के लिए आपको फिर लेफ्ट जाना होगा, वहाँ बाई और फिर आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे, उनमें से सबसे बड़ा घर कमरूटू हाउस है। वैसे तो भैया आप जीप से भी पहुँच जाएंगे, पर आपको छोड़ने के बाद वहाँ से मैं पैदल ही लौटूंगा। एक बात तो समझ गया कि तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। एक काम करो, चाबियां मुझे दे दो, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, पैदल तो नहीं आना पड़ेगा। क्या भैया, मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी यहाँ की सड़कों में कैसे चलाएंगे? ढग 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 ढग। अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट दूं तो? मैं लालची टाइप का आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पैसों से ज्यादा इंसान प्यारे हैं। अगर दोगे भी तो नहीं रखूंगा, रख भी लिया तो वापस कर दूंगा। शुक्रिया, दिल नहीं तोड़ सकता ना। चाबी। अच्छा भैया ध्यान से जाना, ढग ढग रास्ता है, सिर्फ 500 ही दिए। और कितना टाइम लगेगा? नींद आ रही तो सो जाओ। ड्राइवर के बगल में बैठे इंसान को सोना नहीं चाहिए। ओह क्या बात कही है, तो अब तक क्या कर रही थी? आंखें बंद करके एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। ओह, कुछ सोचते वक्त किसी को खर्राटे लेते पहली बार देखा। क्या कर रही थी? अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो जीप पलट जाती। रोड के बीच में कोई खड़ा था। कहाँ? यही पीछे। अरे कोई होता तो मुझे भी दिखता ना। ड्राइविंग करते समय हर वक्त मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो? ये लो, अब टायर फंस गया। क्या क्या सोचने लगती हो तुम, हर वक्त वही बात। हे, सॉरी, अगर कुछ होता तो तुम्हें चोट लगती ना। इधर देखो, मैं सिंसियरली सॉरी बोल रहा हूँ। अब बताओ एग्जैक्टली क्या देखा? नॉट श्योर, हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, बिल्ली या कुत्ता, अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं। ड्राइवर ने बताया था कि घर यहाँ से काफी नजदीक है, 20 मिनट पैदल रास्ता, तुम चल पाओगी? बाइक यहीं रहने दो, कल सुबह ले जाएंगे। वहां एक ब्रिज दिख रहा है। गौतम, आई डोंट थिंक इट इज सेफ। चिंता मत करो, मैं साथ में हूं तो फिर डर कैसा? गौतम वो आवाज सुनी? लगता है कोई शिकारी है। चलो
ताला लगा हुआ है। मैं इसकी चाबियां लेकर आता हूं, तब तक तुम यहीं रुको, जल्दी आ जाऊंगा। घर तो साफ कर रखा है ना, खबर की थी। थैंक यू। वेलकम। ये बेडरूम होगा शायद। रियली अमेजिंग, इलेक्ट्रिसिटी भी है। हॉल का बल्ब फ्यूज्ड है, घर नहीं मेंशन है। अच्छा, छोटा बैग ले आना चाहिए था, बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती। तुम कहो तो जाकर बैग ले आऊं। सोने से पहले शावर लेना चाहोगी या ऐसे ही? इंदु, इंदु क्या कर रही हो? सुबह से नल में पानी नहीं आया है, पीने का पानी भी नहीं है। अरे तो मुझे उठा देती। तुम गहरी नींद में थे और सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे, उठाने का मन नहीं किया। जब थके होते हो तो ऐसे खर्राटे लेते हो, आज आवाज बहुत तेज थी, उसे रिकॉर्ड किया। इंदु क्यों भाई, इस तरह कुएं में क्यों झांक रहे हो? देख रहा था इसमें पानी है कि नहीं। तो एक पत्थर फेंक देते, छपाक की आवाज हुई तो पानी है, वरना कुआं सूखा है। आगे से याद रखूंगा। वैसे मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं इसी गांव का हूँ और मेरा नाम है कालिंगा। गौतम। गौतम, बहुत अच्छा नाम है। वैसे यहाँ कब आना हुआ? हम कल रात को ही पहुंचे। ओह, मतलब इस गांव में आज पहला दिन है? फिर तो यहाँ तुम इस गांव में हमारे मेहमान हुए और तुम्हारा स्वागत करना वो भी तहे दिल से मेरा फर्ज बनता है। कमरुट्टू गांव में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा गांव तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर जगह है, शहर में ये सब कहाँ, लेकिन थोड़ी रहस्यमय भी है। अरे वाह, एक ही दिन में तुमने हमारे गांव को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, खासकर रहस्यमय वाली बात।
कुछ देर पहले पानी निकालते समय वाइफ इसमें गिर गई और उसे लगा किसी ने उसे खींचा है। लकीली कुछ हुआ नहीं। तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, मेरी बात को गलत मत समझना। यहाँ ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अगर ना ढूंढें तो ही बेहतर है। कोशिश करने पर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब अगर तुम्हें यहाँ कुछ विचित्र चीज दिखे तो कोशिश करना उससे दूर ही रहो। लगता है आप काफी कुछ जानते हैं। अगर मैं तुमसे सच कहूंगा तो तुम्हें हंसी आएगी। नहीं आएगी, आप कहिए। लोगों का मानना है कि इस कुएं में सदियों से एक ब्रह्म राक्षस रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी ने मुझे इस कुएं की कहानी सुनाई थी। कुएं से जब भी कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जब तक वो तीन बार ना पुकारे। तीन ही बार क्यों? अरे भाई, ब्रह्म राक्षस होगा तो वो तीन बार नहीं पुकारेगा, दो ही बार बुलाएगा। और अगर आवाज तीन बार नहीं आई तो भूल कर भी पीछे मत देखना, चाहे पत्नी की ही क्यों ना हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, मुड़ गया तो ब्रह्म राक्षस मार देगा। हाँ। नहीं मुड़ा तो घर में बीवी मार देगी। एक्सक्यूज मी। हाँ, मनी ऑर्डर कर दिया है, दो दिन में पैसे मिल सर, जाएंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर? हाँ मिल जाएंगे, बोला ना। कुछ भी मत कहो, तू शर्ट और सफेद धोती भी चलेगी। लोग शादी अटेंड करने आएंगे या मेरे कपड़े देखने? फोन काट। नहीं है, देखिए ये है ना रिकॉर्ड। हाँ बोलो। इस पोस्ट बॉक्स नंबर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? ऐसे इन्फॉर्मेशन देना रूल्स के खिलाफ है। कम से कम इनका एड्रेस तो दे सकते हैं ना प्लीज। पहले बताया, वो समझ में नहीं आया क्या? नो प्रॉब्लम, आपकी बातें सुनी, आप किसी शादी में जा रहे हैं? कहाँ है शादी? एक बार बोला ना, जाओ अपना काम करो। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डाक डब्बा क्रमांक चाहिए? शुद्ध हिंदी नहीं आती मुझे। सिंपल हिंदी, आई नो वेरी वेल। पोस्ट बॉक्स का बता, यू वांट? आप नॉर्मल हिंदी में बात कीजिए ना, और चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चाहिए। नंबर बताओ। 79। ₹100, फुल पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट। मिस्टर बॉस। बॉस, जाने का रास्ता? जाने का रास्ता एकदम खाली, घर पे ताला, पूरा का पूरा वीरान, कोई नहीं मिलेगा, मर चुका है। ही इज डेड। डेड? व्हाट? हाउ? मलेरिया, डायरिया, कॉम्बो पैक, पैकअप हो गया। बीमारियों का गोदाम था, शायद एड्स भी था। हाँ? मेरे बाप के मरने पे इसे सदमा क्यों लगा? आपको उन्हीं से मिलना है। पर वो तो मर चुके हैं ना। नो 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 नो, डेड माय डैडी, उनसे मिलने तो ऊपर जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में। वैसे इतने बुरे भी नहीं थे, इसलिए भगवान ने बुला लिया। आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 79 चाहिए? हाँ। ₹100, फुल पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट। कमर उठो। पीछे 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 पीछे, शाबाश। हाँ, और पीछे धकेलो। बस 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 बस, चलते हैं साहब। हाँ ठीक है। यार रात को शिकार होता है? शिकार? हाँ, किसी जमाने में होता था, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो गया, तब से बैन है। कई बार जब जंगली सुअर उत्पात मचाते हैं तो उन्हें मारने की इजाजत दे देते हैं। कल रात को ब्रिज क्रॉस करते समय फायरिंग की आवाज सुनाई दी, और कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। वैसे तो ये बात आपको नहीं बताना चाहता था, पर जब पूछ ही लिया है तो बताना मेरा फर्ज बनता है। उस घर में अंगारा का भूत रहता है, लोगों ने कई बार रात को उसे भूत डांस वाले भेष में बाहर घूमते देखा है। आप नानू को जानते हैं? ये कौन है? वो बोट वाला
एक बार उसने वो भूत देखा तो पूरे 2 हफ्ते बिस्तर पे बीमार पड़ा रहा। और ये अंगारा कौन है? ब्रह्म राक्षस? वो अलग है। इस घर में कितने भूत रहते हैं वो तो खुदा ही जाने। ठीक है, कुछ सामान घर पर लेकर जाना है तो चलो मुझे पोस्ट ऑफिस छोड़ दो। जी भैया। गौतम, गांव में आते ही पोस्ट ऑफिस? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ का पोस्ट मास्टर हूँ। तो यही समझ लो कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। बढ़िया, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? दरअसल मुझे एक पोस्ट बॉक्स की जरूरत है। आज तक यहाँ कुर्सी मेज पूरे नहीं लग पाए तो पोस्ट बॉक्स कहाँ से होगा। शुक्र मनाओ कि ये पोस्ट ऑफिस ही है, वो भी ब्रिटिशर्स की मेहरबानी की वजह से। एक्चुअली मेरे काम से रिलेटेड कुछ लेटर्स यहाँ आएंगे और मैं उन्हें घर का एड्रेस नहीं देना चाहता, तो और कोई चारा ही नहीं है। उसके लिए रास्ता है ना, उन्हें डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दे दो। तुम्हारे जो भी लेटर्स आएंगे मुझसे आकर ले जाना। तुम्हारा कोई नंबर है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। आज लंच करना है कि नहीं भाई? ओ, क्या बात है, सालों बाद कोई नया चेहरा देखने को मिला। यहाँ नया आए हो क्या? इनसे मिलो, इनका नाम है शंकर मास्टर। इस गांव में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है जिसके आप हेडमास्टर हैं। बहुत इज्जत है इनके गांव में। ये गौतम गांव में नए हैं, कमरुट्टू हाउस में रुके हुए हैं। ओ, तुम तो शहर के लगते हो, यहाँ कैसे आए? एक यूएस मैगजीन के लिए फ्रीलांस राइटिंग करता हूँ और यहाँ साउथ कनाडा कल्चर पर एक रिसर्च के लिए आया हूँ। फिर तो मैंने जरूर तुम्हारा कोई आर्टिकल पढ़ा होगा। ये मैगजीन सिर्फ यूएस में सर्कुलेट होती है। अच्छा, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट? एंटायर यूएस। अरे बस भी कीजिए, दिन भर स्टूडेंट्स को सवालों से बोर करते रहते हैं, कम से कम इन पर तो रहम कीजिए। अरे हाँ कलिंगा। हाँ। अगले हफ्ते तुम्हारे यहाँ यक्षगान की रस्म होगी। हाँ, होगी ना। गौतम, तुम्हारे आर्टिकल के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। इनके यहाँ कथा होने वाली है। और ये रहा उसका इनविटेशन कार्ड। और हाँ, यक्षगान में अकेले नहीं, अपनी वाइफ को भी साथ लाना। मैं जरूर लाऊंगा, आपसे और आपकी फैमिली से मिलकर इंदु को बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, फैमिली और दुनियादारी के झंझट से बिल्कुल आजाद हूँ। तो आप उसके 3 बार पुकारने तक इंतजार कर सकते हैं। रास्ते में तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा। जरा रुकना। क्या हुआ? ये सारा का सारा सामान घर पहुंचा दो, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। बारिश होने वाली है भैया। नहीं होगी, तुम जाओ। कौन हो तुम? साहब, दरअसल मेरा नाम गिरजा है। यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मंजुलिका मेरी सास है। मंजुलिका यानी वही बुजुर्ग औरत जो घर की देखभाल करती है, वही ना? हाँ, वो कैसे कुछ करेगी, उसको तो खुद ही संभालने के लिए कोई चाहिए। असल में कई सालों से आपके घर की सफाई मैं खुद ही कर रही हूँ। महीने में 1-2 बार झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं। लेकिन अब हम वहाँ रहेंगे, रोज सफाई करनी होगी। बात यह है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और हाँ, अगर उसे कुछ चाहिए तो जाकर ले आना। ठीक है, कल आऊं तो चलेगा साहब? हर दिन आना थोड़ा मुश्किल होगा, और भी घरों में जाना पड़ता है। मैं हफ्ते में 1 बार आके सफाई कर जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहब जी, इस जगह पर घूमना जरा ठीक नहीं है। ठीक है। अब ठीक हो जाओगे। अपनी स्पेशल लाल पीली गोलियां दूंगा, उसे 3 में 3 बार लेना, लाल दोपहर को, पीली रात को और हरी वाली ऑफ कोर्स कल सुबह। अब तू बता।
इसे ऊंचा पकड़, जल्दी जल्दी चढ़ेगा, अब चिल मार। डॉक्टर साहब, इसे लेटा के ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना? डॉक्टर मैं हूँ या तू बेवकूफ? अंदर भी एक पेशेंट रेडी है। स्कोर क्या हुआ है? 2 विकेट गिर चुके हैं। क्लीन बोल्ड हुआ क्या? सर वही तो बोल रहा हूँ, क्लीन बोल्ड। कुछ नहीं हो सकता, उसके एडी देखने लायक है, वहाँ सिक्सर मारता है। हाँ तो तुम 1 हफ्ते बाद आके टाके खुलवा लेना। दूसरा तरीका है, खुद ही तुम उसका धागा खींच लेना। डॉक्टर सर वो पजामे का नाला नहीं है। ए, इसके सुसु का सैंपल ले लेना और उस गधे को भेज देना, मुझे सिखाता है काम कैसे करना है। हाँ देखने से लगता है तुम यहाँ नए हो। जी हाँ, 2 दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ, यहाँ कमरट 2 हाउस में ठहरा हूँ। हाँ लो, स्पेशल मेडिसिन है, 1 सुबह लेना, 1 दोपहर को और 1 रात को, खत्म होने तक इसे तुम रोज लेते रहना। दवाई खत्म होने तक या मेरे खत्म होने तक? दोनों। यहाँ पास में कोई मेडिकल? डॉक्टर साहब पोस्ट, इसमें क्या है? लेटर ही होगा। डॉक्टर साहब अब क्या है? साइन लो। वैसे यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा क्या? क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर, सब यही है। ये स्पेशल टैबलेट्स हैं, गारंटी है 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, क्या हुआ? इंदु मेरी घड़ी देखी कहीं? इंदु लास्ट टाइम उसे टेबल पर पड़ा देखा था, वहीं होगी। वहां नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है, कहां होगी? ठीक है, जब तक वो नहीं मिलती अपनी पुरानी वॉच पहन लो, दोनों उस ड्रॉअर में रखी होंगी। जल्दी आने की कोशिश करूंगा, खाने के लिए वेट मत करना। ओके कल यहाँ पर रेत मिलना बहुत मुश्किल हो गया। इस तरफ ही ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ, फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं याद करूंगा। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम गौतम है, कालिंगा ने मुझे इनवाइट किया था। ओह, उसने बताया तुम्हारे बारे में, तो तुम ही हो वो अमेरिकन राइटर? राइटर इंडियन हूँ, मैगजीन अमेरिकन है। वहाँ क्यों? यहाँ की मैगजीन तुम्हें अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम की तैयारियां बहुत अच्छी की हैं। ये प्रोग्राम पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं हम लोग यहाँ, और इस तरह का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। सर सप्लायर आ गया है। तुम प्रोग्राम देखो, मैं आता हूँ। उसे बैठाना चाहिए था ना। हेलो यंग मैन,
नमस्ते मास्टर जी। कलिंगा कहाँ है, सो रहा है यही क्या? है। कितनी भी कोशिश कर लूं कमबख्त नींद ही नहीं आती। अब ड्यूटी के समय सोओगे तो यही सब तो होगा ना। शंकर साहब, स्टूडेंट्स को पकाने से बेहतर है कि खुद ही सो जाओ, बोरिंग लेक्चर सुन के सब सो जाते होंगे। सही कहा ना गौतम? निंद्रा देवी का आशीर्वाद दरअसल आप दोनों पर है, ये तो किस्मत की बात है। तुम एक प्रोफेशनल राइटर हो गौतम, इसमें कोई शक नहीं रहा। गौतम, तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो घर पे रेस्ट कर रही है। कोई बात नहीं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा शंकर साहब, कल मैं शहर की तरफ जाने वाला हूँ, अगर आप भी हमारे साथ चलते तो। कल तो पूरा दिन बिजी। तुमने सही नहीं किया, कपट सन्यासी के रूप में आकर उठा लिया, आक्रमण। तुम अचानक कहां गायब हो गए? वहां बाहर कोई जाना पहचाना दिखा। शंकर मास्टर कहां चले गए? उन्हें भी कोई जरूरी काम याद आ गया। दिल की खुशियों दिल में छुपी है, फूलों में जैसे खुशबू बसी है। अंकल, बल्ले चल गेस्ट हाउस जाने का रास्ता यहीं से है? बल्ले चल यहीं है। अच्छा, कमरोटू कितनी दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। थैंक यू अंकल। वो पेंटेड चेहरा, लाल आंखें, भयानक आवाज, वो यही है। इंदु, वो मेरी तरफ आ रहा है। इंदु, प्लीज, प्लीज मेरे पास रहना, प्लीज। इंदु, रिलैक्स। अब आराम से मुझे बताओ क्या हुआ। गौतम, इस घर में जरूर कोई है, कल भी उसे मैंने डांस करते देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे दिमाग का वहम था, शायद कोई बुरा सपना नहीं होगा। गौतम, सपने और सच का फर्क पता है मुझे, विश्वास करो वो सच में यही था। जरूर जरूर वो मंदिर का भूत होगा, वो गुस्से में होगा क्योंकि हमने वहाँ पूजा नहीं की। तुमने अपना हाथ चला लिया, खामखा वहम करती हो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, प्लीज कहीं मत जाओ। पागलों जैसी बातें मत करो इंदु, इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लीज गौतम। देखो मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ और कल सुबह हम। नहीं गौतम, प्लीज। जरा मेरी बात तो सुनो तुम, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और फिर कल सुबह मंदिर में जाकर पंडित से पूजा की बात कर लूंगा, सारी रस्में कर लेंगे, अब तो खुश हो। पर गौतम, मेरी बात मानो इंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ओके
गौतम, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब लौट आऊंगा तो तसल्ली से सब बताना। मुझे कुछ हो जाए उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अगर लौटने पर इंदु ना मिली तो क्या करोगे? तुम यही मिलोगी, अब आराम करो, चिंता मत करो, मैं तुरंत जाकर डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया मैडम ठीक तो है ना? क्या हुआ था उन्हें? गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ हाँ हा। तेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कंप्लेन लिखने में कितना टाइम लगता है? सिचुएशन को नहीं समझ रहे आप लोग? अभी बड़े साहब आएंगे, उनको ये सब समझाना। अब आपके साहब का अलग से वेट करूं यहां पर मैं? थाने में मुझे कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं। पहली ऑफ ड्यूटी आवर्स में बिना जरूरी काम के आधी रात को मुझे यहां बुलवाना। दूसरी, मेरे अलावा यहां कोई और ऊंची आवाज में बात करे। तीसरी, मुझे मेरा ड्यूटी समझाने वाला, बीच में टोकने वाला मुझे पसंद नहीं। चाय लग गया। इशारा समझता नहीं। प्रॉब्लम बता। मेरी वाइफ गायब है, वो प्रेग्नेंट है, ऑलमोस्ट 8 महीने। कब से गायब है वो? करीब 2 घंटे से। यह मजाक करने आया है? अगर मैं हर ऐसी छोटी बात की रिपोर्ट लिखने लगा तो पूरा स्टेशन कंप्लेंट फाइल से भर जाएगा। अगर वो गायब है तो पहले किसी रिश्तेदार या दोस्तों के यहाँ पूछना चाहिए, अपने आप घर लौट आएगी। हम यहाँ किसी को नहीं जानते और ऊपर से वो कहीं जाने की हालत में नहीं है, उसी के लिए डॉक्टर को बुलाने गया था। घर से कुछ कैश, गोल्ड या कुछ और गायब है? नहीं है। घर में सब व्यवस्थित है या फिर घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है? सब ठीक है। तो फिर किस बिना पर केस फाइल करूं? अगर चल नहीं सकती तो जाहिर है कोई उसे अपने साथ ले गया होगा। बताया ना, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ए, नीची आवाज में बात करने का, मेरे अलावा कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। लुक, ओके, ठीक 2 दिन पहले किसी ने मुझ पर गोली चलाई, पहले जाकर उससे सवाल पूछिए। मुझे मेरा काम मत समझा। किसी ने तुझ पर गोली चलाई जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, तूने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मुझे वो बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी। किसी ने तुझे जान से मारने की कोशिश की और तूने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि तुझे वो जरूरी नहीं लगा। और आज तेरी पत्नी महज 2 घंटों से गायब है और तुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है। इंस्पेक्टर, हम यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम तो तू मेरा वेस्ट कर रहा है, या तो तू मेरे साथ शान पट्टी कर रहा है या तो तेरी चोरू किसी के साथ भाग गई। कौन हो सकता है वो? हाँ, जिसने तुझ पे गोली चलाई थी, जरूर दोनों की सेटिंग होगी।
तेरी वाइफ का ही ये प्लान होगा, सब क्लियर हो गया। आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया। सॉरी, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, बिना पूछे अंदर आना पड़ा। मेरा सौभाग्य जो आप यहाँ आए। प्लीज बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक पोस्ट बॉक्स नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब तो पोस्ट बॉक्स का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, पहले तो यहाँ कोई झांकता ही नहीं था, अब जिसे देखो उसे ही पोस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ रही है। नहीं सर, पोस्ट बॉक्स नहीं चाहिए, एक पोस्ट बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यहाँ पोस्ट बॉक्स नहीं है, ये बहुत ही छोटा पोस्ट ऑफिस है। आपने कहा कोई और भी आया था जिसने पोस्ट बॉक्स के बारे में पूछा, बता सकते हैं वो कौन है? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से उनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, पहले ऊटी के पोस्ट ऑफिस भी गई थी, वहाँ से यहाँ का फॉरवर्डिंग एड्रेस मिला। ओह, देखिए किसी ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बातें मुझे बताई हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड, बात यह है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इंसान है, उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो इस बारे में मान जाते हैं तो उनका एड्रेस दे दूंगा। ग्रेट, जब तक आपको उनकी परमिशन नहीं मिल जाती मैं रोज आपको यहाँ तंग करने आ जाऊंगी। सुंदर चंद्रमुखी के समान कोई सुशील कन्या अगर यहाँ पर आए तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। क्या अंदाज है आपका, आपको तो कवि होना चाहिए था। अब मैं चलती हूँ। सॉरी सॉरी। चेहरे पर ये पेंट के निशान, भूत डांस में हिस्सा लिया? भूत डांस? ओह, अरे वो बाइक साफ करते समय ग्रीस लग गया होगा, आगे से बाइक धोने के बाद ही नहाऊंगा। शंकर साहब आप कंजूसी छोड़ ही दो, खटारा बाइक घसीट रहे हो, कार क्यों नहीं ले लेते? इंदु सुवर्णा, ये बताओ उसे आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को तकरीबन 6 बजे। शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। दोनों में कोई अनबन या रोज की झिकझिक? नहीं। तेरी बीवी की कोई लेटेस्ट फोटो है? नहीं। कोई पुरानी फोटो तो होगी? नहीं है, उसे फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। शादी की फोटो भी नहीं है? कुछ महीनों पहले घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, सब कुछ उसी में जल गया। परियों की कहानी सुना रहा है? ठीक है, आखिरी बार जब तूने उसे देखा था तो उसने क्या पहना था, इतना तो याद होगा ना? पीले रंग का कुर्ता। उस समय घर पर कोई था? नहीं सर, एक औरत, एक बुजुर्ग औरत घर के पास ही रहती है, नाम मंजुलिका, अपनी बहू के साथ गिरजा, घर की सफाई वही करती है। आखिरी बार जब अपनी पत्नी के साथ थे वहां कोई तो आसपास रहा होगा? मेरा ड्राइवर रफीक, उसी के साथ मैं डिस्पेंसरी गया था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ। एडॉन इधर आ। क्या बात है सर? कमरुट्टू हाउस से एक औरत गायब हुई है। हा? इसमें तेरा हाथ तो नहीं है? नहीं साहब, अपनी मरी हुई माँ की कसम, मैं सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ, चाहो तो इस ड्राइवर से पूछ लो। कल रात को तू उसे डॉक्टर के पास ले गया था? हाँ सर, उस दिन उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी सर। अच्छा ये बता, आखिरी बार जब तूने उसे देखा
तो कुछ अजीब सा लगा, मतलब कुछ डरी हुई थी या? वो तो मैं नहीं जानता सर, उस दिन वो घर पर सो रही थी। उन दोनों का रिश्ता कैसा था, कोई झगड़ा बहस या मारपीट? दरअसल वो मेम साहब प्रेग्नेंट है, इतना ही मालूम है सर। भैया ने एक बार बताया था, वो हर थोड़े दिन में बीमार पड़ जाती हैं। ठीक है, तू जा, बुलाऊं तो पुलिस स्टेशन आ जाना। मुझे आना होगा। आऊंगा सर। मैंने क्या किया, मैं तो एक भोला भाला बच्चा हूँ। जी साहब। उस बुढ़िया को बुला, कुछ सवाल पूछने हैं। वो अंधी और बहरी है, एक अंधी और बहरी आपको क्या बता पाएगी साहब। और तेरा पति? 3 साल पहले ज्यादा शराब पीने से मर गया। कमरुट्टू हाउस में जो औरत रहती थी उसके बारे में कुछ बताओ। क्यों पूछा साहब, ने उसके साथ कुछ किया क्या? क्या मतलब? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। वो सांप थोड़ा अजीब सा है, दिन भर घूमता रहता है। और उसकी पत्नी कैसी है? कैसे पता होगा, आज तक सिर्फ 2 बार ही काम करने गई हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं दिखता। फोन फिर से डेड है, चेक कर जाके। ठीक है सर। सुन, अब तू जा सकता है। इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता चला? तुझे तेरी पत्नी नहीं मिलने वाली, तू जा सकता है। इंस्पेक्टर, इस तरह से बात नहीं कर सकते। यार है, पहले वाली मार्क कम पड़ गई क्या? मैं सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूं सर। लकी रही तो स्वर्ग में होगी, नहीं तो फिर नर्क भोग रही होगी। Is she dead? Yes, she is dead. The end. What? इंदु सुवर्णा बुलेरी कट्टे के पास एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ये सब कब हुआ और उसकी बॉडी कहाँ है? तूने उसे दफनाया और मुझसे पूछ रहा है? उसे मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। अब आप परियों की कहानियां सुना रहे हैं, 2 दिन पहले तक वो मेरे साथ थी। यहां अगर कोई कहानी सुना रहा है तो वो तू है। सबसे पूछताछ की है मैंने, तेरे अलावा तेरी बीवी को किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए मैंने और इन्वेस्टिगेशन की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक पुलिस केस नहीं है, मेंटल केस है। उसे मरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो तेरे जहन में है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाओगे, लेकिन तुम अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? वो तो मैं नहीं जानता सर, उस दिन वो घर पर सो रही थी। घर में कोई नहीं दिखता। बाबू से कहो अपने बंदूक की ट्रिगर पर लगाम लगाए, सबको फंसाएगा, कुछ अनहोनी हो सकती है। ए, उस डायरेक्टर को यहाँ बुलाओ। ए, जी, कर्नल बाबू को बुलवाओ। जी बुलाता हूँ। उस रिपोर्टर की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, उसे कुछ नहीं पता। वो रिपोर्टर है ही नहीं, वो कुछ मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखती है। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, उस पागल पे गोली क्यों चलाई? बेकार की पब्लिसिटी नहीं चाहिए। गलती हो गया साहब, आदत हो गई है उसकी। कमजोरी कहो या खूबी, दिमाग से पहले हाथ चलता है। वो मेंटल है, उसे शक है कि बाबू ने उसकी वाइफ के साथ कुछ किया है। ए, चौकन्ना रहना, तेरे को ढूंढ रहा है, हाथ मत लगना। गौतम, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अब ये सोचना है कि अपनी जिंदगी में तुम आगे कैसे बढ़ोगे। गौतम, जब भी कोई अपने किसी करीबी को खोता है तो हमारा दिल दिमाग हमें ये बार बार एहसास दिलाता रहता है
कि वो शख्स हमसे कहीं दूर नहीं है बल्कि कहीं आसपास ही है। देखो गौतम, मानता हूं वो इंस्पेक्टर थोड़ा अक्खड़ है, पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ उसने कहा अगर वो वाकई सच हो तो। इसे इस तरह से सोचो, गांव में कोई तो ऐसा इंसान मिलता जो ये कहता कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। 92 93 94। एक आदमी है। कौन है? रफीक। भैया बोट वाले का घर कहाँ है? नारनू। किस लिए? मुझे इसके घर ले चलो। ठीक है। जल्दी चलो। ठीक है। सामने नानू का घर है। हेलो, 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 कोई है यहाँ? पिछले 3-4 दिनों से रारू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो औरत उसकी जोरू थी, अब वो भी पागल हो गई। नारनू कहाँ है? ठीक है, 1 घंटे पहले उसकी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे? किसी जहरीले नाग ने उसे डस लिया। पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि उसने एक भूत देखा है। कई साल पहले भी उसने एक भूत देखा था, उसी के बाद से वो बीमार रहने लगा और इस बार तो वो पागल ही हो गया। ऊपर वाला क्या चाहता है पता नहीं, वो भूत और कितनी बलि लेगा। Are you all right? Sorry. मुझे लगा तुम कोई और हो। I mean, मेरी किसी से हाथापाई हो रही थी, लगा तुम वही हो। तुम ऐसे अचानक पीछे से आ गई तो। गौतम। हाय संध्या, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम उससे क्यों लड़ रहे थे? मेरी वाइफ 3 दिनों से गायब है, शायद इसमें उसी का हाथ है। तुम शादीशुदा हो? शादी होगी तभी तो वाइफ होगी ना। यस, 6 साल हो गए। सॉरी। दैट्स ओके, माय मिस्टेक, स्टूपिड क्वेश्चन पूछा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? मेरी कार जहाँ है उसी जगह पर अगर ड्रॉप कर देते तो। एक सेकेंड, शायद तुम्हारी है। तो पुलिस के हिसाब से इंदु 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी, पर तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ 2 दिनों से गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस को कोई कंफ्यूजन हुई हो, तुम्हें उनसे फैक्ट्स क्रॉस चेक करने के लिए कहना चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर ये उनका फर्ज है, हो सकता है एक्सीडेंट में मरने वाला कोई और ही शख्स हो। ये सच है कि 6 साल पहले हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था,
इंदु को कुछ माइनर इंजुरीज आई थी, पर मेरी याददाश्त चली गई। एक्सीडेंट से पहले की लाइफ भूल गया। कब हुआ था ये? अप्रैल 2007। तो तुम्हारे हिसाब से पुलिस सही कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, सच क्या है गलत क्या है पता नहीं। हाँ, तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ। इट विल बी अ प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू। पहले चश्मा तो ठीक से पहनना सीख लो, गेट लॉस्ट। तुम्हें क्या पता है ये लेटेस्ट स्टाइल है। हेलो, नीलेश गौड़ा। पांडु, मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट है तो बताओ जल्दी। आई एम रेडी। मुझे इंदु सुवर्णा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो, पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से अप्रैल 2007 में उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रही हो या मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही हो? जो मर चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, तब तक इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखना। कल ही चाहिए? हाँ कल चाहिए। कल तो अमावस्या है। अरे मैडम, आपको ढूंढ लिया। सर कितने टेंशन में थे, उनसे ज्यादा मुझे टेंशन थी। पुलिस और गांव वालों को मुझ पर शक होने लगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। रफीक, रफीक ड्राइवर, वो बाहर मेरी जीप है। कल मैं जिसका पीछा कर रहा था उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम कर्नल बाबू है, इस गांव का पहलवान। माँ भला हेच के घर में काम करता है। भैया मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, बीवी डांटेगी। वो जीप आप ही रख लो। ठीक है, चलता हूँ, बाय। पता है मैं क्या सोच रही थी? बिना वजह कोई तुम पर अटैक क्यों करेगा? हो सकता है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाने की वजह से उसने अटैक किया। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा है जिसे वो छुपाना चाहता हो। आई थिंक मुझे वहाँ खुद जाकर चेक करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तुम रुकी हो पहले तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। इस वक्त वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले वहीं जाकर चेक करते हैं। नो, इट्स डेंजरस। तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। डोंट वरी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इसकी आदत है। चलो। रेत की इलीगल माइनिंग हो रही है। आई थिंक शायद इसे केरला स्टेट के बाहर ले जाएंगे। से लगा होगा तुम इस इलीगल माइनिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इसीलिए तुम पर अटैक करवाया। इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं कॉल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जरा आता हूँ। 10 मिनट में नहीं आऊँ तो तुम घर चले जाना। बी केयरफुल। कुछ पता चला?
अपनी औरत को ढूंढने आया था क्या? कहाँ है वो? गायब होने के बाद में इधर कोई नहीं मिलता, अगर मिल भी गई तो तेरे को कभी नहीं बताऊंगा। Are you okay? उसे कुछ भी नहीं पता। तो वो घड़ी उसके पास कैसे आई? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। गौतम क्या हुआ? भाई चूहे पेट में भूत नृत्य कर रहे हैं, कुछ खाने को दो ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। भूखे पेट भला भजन हो सकता है शंकर साहब? कुछ बनाता हूं तुम्हारे लिए। गौतम उस महाबला से थोड़ा दूर ही रहो तो बेहतर है, अच्छा आदमी नहीं है वो, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक। मुझे इंदु वापस चाहिए बस, उसके लिए अगर मुझे महाबला से भी लड़ना पड़े तो परवाह नहीं। कर्नल बाबू की बातों से ऐसा लगा कि यहां पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, मतलब वो इस बारे में शायद कुछ जानते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, पिछले साल जुलाई में यहीं पड़ोसी की वाइफ गायब हुई। बहुत समय तक उसे ढूंढा गया पर कुछ पता नहीं चला। इन सारी बातों का भूत से कुछ संबंध हो सकता है क्या? गांव में अंगार नाम का आदमी था, महाबला द्वारा आयोजित वार्षिक जलसे में वो हर साल भूत नृत्य करता था। वो आदमी कुछ अजीब सा था, 2001 के जलसे के दौरान वो अचानक गायब हो गया। मजबूरी ये है हर साल इस नृत्य परंपरा को तो निभाना ही पड़ता है, लेकिन अंगार तो गायब हो गया। उसे बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिला। फिर एक रात को कमरुटू हाउस के पास के एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई मिली, पर सिर्फ शरीर था, उसका सिर गायब था। कोई नहीं जानता कि उसका सिर किसने काटा। अब ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। कुछ लोग मानते हैं कि महाबल हेगड़े ने उसकी हत्या की, कुछ कहते हैं कि ब्रह्मराक्षस ने उसका वध किया। और उस दिन के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर साल उसकी मृत्यु तिथि के ठीक 11वें दिन बाद उस तरफ के पहाड़ की ओर से भयानक चीखों की आवाज सुनाई देती है। गौतम गुड्डा भूत उतनी ही बड़ी वास्तविकता है जितना हम और तुम एक सत्य हैं। इस गांव से बहुत से लोग गायब हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड्स में उनकी डिटेल्स जरूर मिल जाएंगी। कहाँ चली सवारी? एनी प्रॉब्लम? जितना पूछो उतना जवाब दे। तुझे तेरी पत्नी मिल गई क्या? ये मेरी दोस्त है। दोस्त? दोस्त को आधी रात जंगल में घुमाने लाया है? ये तेरी रात की सहेली है। सर अपनी मर्यादा में रहिए। और तू मर्यादा में रहने लायक है? मैं ऐसा ही बात करूंगा और तेरा खेल खत्म करूंगा। वैसे भी तेरे खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरे के काम में क्यों ना घुसे ड्राइवर? अपना सामान समेट और चलता बन, जहां से आया वहीं का टिकट कटवा ले। अगर इस गांव में दोबारा तेरी शक्ल दिखाई दी ना। समझ गया ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा फोन चला गया। उसकी चिंता मत करो, डेटा कार्ड तो मेरे ही पास है। पुलिस स्टेशन तो इस तरफ है ना? करेक्ट। और इंस्पेक्टर उस तरफ गया तो?
तो इधर आओ, भी क्यों रहे हो तुम? यही रुक जा, मैं देखता हूँ। नहीं, छतरी पकड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। बड़े रूम में ढूंढना मुश्किल होगा, कबाड़ खाना बना रखा है। सारी फाइल्स डेट वाइज रखी हैं, पर इनमें वो स्पेसिफिक मिसिंग केस वाली फाइल्स कौन सी हैं? इस बात का पता कैसे चलेगा? अलग सेक्शन होता तो। शंकर मास्टर ने बताया था कि पिछले साल जुलाई में एक पड़ोसी की पत्नी गायब हो गई थी। जुलाई 2012 की फाइल्स चेक करो। ये देखो, ये रही पुष्पलता राय, उम्र 32 साल, ये मिसिंग है July 7, 2012। अब क्या करें? ऑल फाइल्स ढूंढें। July 7th, उसी तारीख को सातवीं औरत गायब हुई। इंदु भी 7 जुलाई को गायब हुई, महाबला के फंक्शन के ठीक अगले दिन। शंकर मास्टर ने बताया कि यह फंक्शन हर साल होता है। July 2001। अंगारा, उम्र 26 साल। July 7, 2001। मर्डर 2001 से इस जुलाई तक की सारी फाइल्स ढूंढ के निकालो। ओके। ए, गाड़ी रोक। चल। ओके, 2004। अब सिर्फ 2003 और 9 चाहिए। उस तरफ देखो, 2009 उस तरफ है। नालायक, ड्यूटी क्या हाउस में सो रहा है? सॉरी सर, अभी अभी यहाँ कोई आया था। कदम जल्दी करो। इन में तुम्हें कैसे पता चलेगा? पुलिस स्टेशन के बाहर जीप खड़ी है, किसकी है पता है? आसपास तलाश कर और जीप स्टार्ट कर। अगर उन्हें पुलिस स्टेशन आना था तो ही वो जीप यहाँ पार्क करते हैं। इतनी दूर पार्क करने का मतलब? तुम जल्दी करो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। रिकॉर्ड रूम का लाइट ऑन करो। जीप यही है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ए, जीप स्टार्ट कर। जी सर।
कहा था ना मैंने, अगर पुलिस से बचना हो तो पुलिस स्टेशन से बढ़िया जगह कोई नहीं है। तुम्हारी कार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़ी है। ओके। इतनी दूर चल पाओगी? तुम कहो तो दौड़ भी सकते हैं। ओ, एक मिनट। ए। फ्रीक, ज्यादा देर तक इस ड्रेस में रहना अब बहुत मुश्किल है। तुम ये छतरी लेने पुलिस स्टेशन गई थी? बारिश आ जाती तो? एक्चुअली ये छतरी मॉम ने पापा को तब दी थी जब वो पहली बार मिले थे, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। ये उन दोनों की निशानी है। आई एम सॉरी। जी नो, वो दोनों अभी भी जिंदा है। काम के चक्कर में घर से दूर रहती हूँ इसलिए। एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन तुम वहाँ नानू के घर क्या करने गई थी? सच बताऊं या कहानी? तुम्हारी कहानी भी सच मान लूंगा। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। वो क्यों? मैं तुम्हारी असली पहचान जानती हूं। फेमस नॉवलिस्ट अनुज को तुम ही हो ना? तो अब चले? मैं यहीं बैठूंगी तो चलेगा? वो किस लिए? ताकि सो सकूं। अभी घर जाएंगे ना तो वहां वो खड़ूस इंस्पेक्टर हमारा वेलकम करेगा। अभी कार से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है, और देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल भी है। बारह साल, 12 मिसिंग केसेस, सबके सब 7 जुलाई को। खाने का ऑर्डर देंगे प्लीज? अरे भूल गई, सॉरी। खाना नहीं, सिर्फ एक चाय ले आई है। आई नीड टू मेक अ कॉल। पांडू, जो पता किया सब बताओ। संध्या, इस वक्त ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो, जो पता चला जल्दी बताओ। रोकना तो मुश्किल है, फिर भी बात तो हो सकती है। इंदु सुवर्णा की एक्सीडेंट में डेथ तो हुई है। उतना ही नहीं, उसका पति गौतम सुवर्णा वो भी मरा था। What? Yes. एक्सीडेंट में कार ने आग पकड़ ली और दोनों पूरी तरह जल गए। कार में एक और लड़की भी थी उनके साथ, उसका नाम हाँ हरिणी रंगनाथ। इस हरिणी के बारे में कुछ और पता चला? बचपन से वो अनाथ है, बैंगलोर के वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी और योगा इंस्ट्रक्टर थी और खूब नोट छापती थी। ठीक है, अपना काम चालू रखना। और हाँ, एक्सीडेंट में एक सिद्धार्थ भी था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टोटली लॉस्ट। पहले बताया कि इंदु 6 साल पहले मर चुकी है, उतना कंफ्यूजन कम था क्या? जो मुझे भी मरा हो बता दिया। गौतम रिलैक्स, देखना हम पता लगा लेंगे। अच्छा याद करो, तुमने कभी हरिणी रंगनाथ का नाम सुना है? हाँ, मेरे घर पे एक डायरी रखी मिली, उसके कवर पे हरिणी लिखा था, लेकिन इंदु ने। क्या वो डायरी तुम्हारे घर पे मिल जाएगी? नहीं जानता, इसमें ढूंढो। मिली? गौतम। हाँ? जिससे हम अनजान हैं वो हमें दर्द नहीं दे सकता,
मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। न चाहते हुए भी मैंने तुम्हें एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। गौतम, मेरी लाइफ दो हिस्सों में बटी है, एक तुमसे मिलने के बाद और एक तुमसे मिलने के पहले। आज तुम्हें दोनों हिस्सों का अब तक का रखा राज बताने जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। उसका हस्बैंड है। कॉलेज के 2 साल बाद अपनी फ्रेंड शिल्पा की शादी में हम दोनों फिर से मिले। इंदु ने बताया वो अपने नेटिव प्लेस कमरुट्टू में अपने कुल मंदिर में पूजा की रस्म करवाने जा रही है। कैसी हो इंदु? ठीक हूँ। हरिणी, कैसी हो तुम? हरिणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, इस वक्त बिजी हूँ। मेरा नाम प्रमुख है, मेरे डैड सिटी कॉर्पोरेटर हैं। गौतम। कौन है वो? अरे, एक नंबर का चिक्कू है। गांव छोड़ने के बाद किसी ने भूत देव की पूजा की रस्म नहीं करवाई। 2 साल के अंदर ही दादा और दादी की मौत हो गई। जो सोना जवाहरात दादाजी अपने साथ लाए थे वो मंदिर को लौटाना चाहते हैं और सालों पुरानी भूत पूजा भी करवाना चाहते हैं। तुम्हारी फैमिली को ये सब पता है? दादाजी की गलती से सब नाराज है, वो कभी मना नहीं करेंगे। मैं पहली बार अपने गाँव जा रही हूँ। मेरा असली नाम इंदु नहीं है, माई रियल नेम इज हरिणी। तुम मेरे गौतम हो? सच बताऊं, मुझे नहीं पता इस हादसे से पहले तुम कौन थे, क्या करते थे, आज भी नहीं जानती। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। दोस्तों, हमारा ये जीवन सागर की लहरों की तरह है। उफान के समय उमंग, ढलान में दर्द। हमारा ये जीवन सागर की एक लहर की तरह है। जीवन एक लहर। इनकी शादी हो गई पर हमारी कुछ अलग ही होगी। ओके। समुद्र के अंदर, अंडर वाटर, और हम ना डाइविंग सूट पहनकर डाइव करेंगे, मॉरिशस जाएंगे, पंडित चेन्नई बारात सब होगा, बट अंडर वाटर। हमारे अंगूठी पहनने से पहले कोई ना कोई शार्क हमें खा जाएगी। नहीं होगा, मॉरिशस में शार्क नहीं है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ, एक और आइडिया है, हम हवा में स्काई डाइविंग करते हुए करें। पानी या हवा के बजाय सीधे कब्रिस्तान में फेरे ना ले लें। शट अप या, कुछ तो इनोवेटिव यादगार लम्हे होने चाहिए। शादी लाइफ में एक बार होती है। और अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो? सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दूंगी। क्या इस साल जाना जरूरी है? देखो, साल भर तो मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, बट वंस ए ईयर मुझे अपने दोस्तों को भी टाइम देना होगा ना। यही तो एक मौका है जब पुराने यार दोस्त मिलते हैं। तुम स्टूपिड बाइकिंग ट्रिप पर ही जाओ, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हूँ। ये सिर्फ बाइकिंग ट्रिप नहीं है, मेरी मॉम की 10वीं बरसी है। तुम ही बताओ, मैं उनकी समाधि पर कैसे न जाऊं? उसके लिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथों पर है। उनकी याद में कमल का टैटू बनवाया है। एक काम करो, दूसरे हाथ पे अपने डैड की याद में गुलाब का टैटू बनवा लो ना, दिन भर उसे ही देखते रहना। सच में गुस्सा हो? आसमान की चादर पर, चांद सितारों के नीचे, नदी किनारे एक नाव में मधुर संगीत बजाते लोग, दूल्हे की तरह सजा मैं उसी नाव में, नदी की दूसरी तरफ से नाव में बैठकर आऊंगा। वाओ, नॉट बैड। और मैं कैसे आऊंगी? इनविटेशन भेज दूंगा, ऑटो में बैठ के सीधे वहीं पहुंच जाना, और हाँ, शादी में खाना खा के जाना। सुनो तो। एक और नाव होगी जो रोशन होगी हजारों चिरागों से। तुम उसमें बैठी होगी और किनारे पहुंचने के बाद उसमें से उतर के मेरे बगल में बैठोगी। पंडित विवाह के मंत्र पढ़ेगा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा, और फिर क्या, सीधी शादी? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक दिन मैं हॉस्टल के बाहर बस का वेट कर रही थी, इतनी देर में प्रमुख वहां आ गया। हरिणी, गेट इन। मैं तुम्हारे हॉस्टल गया था, तुम वहां नहीं थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मल्लेश्वरम। आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना। सॉरी, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, वैसे भी वहाँ प्राइवेसी कहाँ है, क्यों ना कार में ही पार्टी कर लें, क्या कहती हो? शट अप।
What the hell? उस वक्त मैंने अपना आपा खो दिया। मेरे सर पे पागलपन सवार था और एक ही पल में मेरी जिंदगी बदल गई। हे हरिनी, क्या हुआ? क्या हुआ बता दो। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। ओके बाय। संध्या, अरे चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊंगा। एक काम करो, हमारे साथ चलो। कोई पूछे तो कहना कि कल शाम से हमारे साथ थी, यहां नहीं कम रुट्टू में। ओके रास्ता कमरुट्टू जाता होगा। मैं जाके पूछता हूं। बाद में। अरे कहां गया, कहां गया भैया? 93 उससे कमरेटू जाने का रास्ता पूछो ना। 94 क्या है? यहाँ से कमरेटू जाने का रास्ता क्या है? कमरेटू वहाँ नहीं जाना। कमरेटू भूत है, भूत भूत, वहाँ नहीं जाना। कमरेटू नहीं जाना। आगे से कमरुट्टू जाने के लिए एक रास्ता है। हरिनी प्लीज रिलैक्स, वो राक्षस मरने लायक ही था। राक्षस को ये भी गया, ये तो नहीं था। कमरुट्टू वो भूत, भूत कमरुट्टू भूत भूत।
गौतम, हॉस्पिटल में पुलिस को देखकर मैं बहुत डर गई थी। जब डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा तो आपका नाम बताइए। हड़बड़ाहट में मुंह से इंदु का नाम निकल गया और तुम्हारा गौतम। और आपके हस्बैंड का नाम? गौतम। तुम्हारी देखभाल करते करते एक अटैचमेंट सा हो गया, तुम्हारी याददाश्त चली गई, तो मैंने कहानियां बुनी। मैंने तुमसे कहा कि एक गैस एक्सप्लोजन में घर का सारा सामान जल गया, तुम कन्विंस थे। हम दोनों ने मिलके पुरानी दुनिया से दूर एक नई लाइफ शुरू कर दी। अपने अतीत में लौटने की मेरी हिम्मत नहीं रही। याददाश्त लौटने पर तुम शायद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मुझे बहुत दर्द होगा। कई बार तुम्हें सब कुछ बताने को जी करता है पर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। तुम्हें कैसे बताऊं? गौतम, इट्स ओके। पता नहीं गौतम मेरा असली नाम है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। जो जानता हूं वो एक झूठ है। मेरी लाइफ और कुछ नहीं है, बस एक फरेब है। गौतम, रिलैक्स। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। सबसे पहले हरिणी को ढूंढना होगा। इंदु, हरिणी को नहीं जानता। इंदु। गौतम फोकस। कम से कम इतना तो पता चला ना कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये देखो, हो सकता है इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई क्लू मिल जाए। फर्स्ट मिसिंग पर्सन 2001, अनुसुईया भट्ट। कंप्लेन करने वाले का नाम टीआर भट्ट। तुम तो उसे पागल कह रहे थे ना? देखो क्या किया। कर्नल बाबू एक महीने से पहले उठने वाले नहीं है। उसकी तरफ से बेफिक्र रहो, उसका वीडियो वाला फोन मेरे पास है। दोबारा दिखाई दिया तो ऑन द स्पॉट इनकाउंटर। फोन तो है, कार्ड कहाँ है? उसे सच क्यों नहीं बताती? वो बहुत परेशान है, ऐसे में एक और शॉक वो हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके, बाय। 2001 अनुसुईया भट्ट, उसका नंबर डिस्कनेक्ट हो चुका है। 2005 स्कूल टीचर कृति के घर बात हुई। 2007 रेणुका नायक बात हो गई। लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2002 रश्मि अलवा। गौतम, उसके हस्बैंड मनोहर अलवा का नंबर नहीं लग रहा। रश्मि के गायब होने के बाद उसकी कार कमरट्टू चौराहे के पास खड़ी पाई गई, यानी जहां तुम्हारी जीप फंसी थी। और उसका घर? नाम के बजाय अनुज को क्यों? ये किसी भगवान का नाम है या फिर किसी राक्षस का? एनोनिमस समीर खुसरो का शॉर्ट फॉर्म। क्या? अमीर खुसरो का शॉर्ट फॉर्म, अनुष्को। अनोनिमस का मतलब तो जिसका नाम पता ना हो। मुझे अमीर खुसरो बहुत ही पसंद है, इसीलिए उसी का नाम रखा। अमीर खुसरो? अमीर खुसरो। मुझे लगता था अनुष्को के पीछे कोई गहरी सोच होगी, पर अनोनिमस अमीर खुसरो। अभी अभी मुझे लगा अब तक तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं पुकारा, संध्या यानी शाम। मेरी जीप ठीक उसी जगह फंसी थी जहां पर कि आपकी वाइफ की कार भी फंसी थी। उस दिन असल में हुआ क्या था, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। कहां कहां उसे ढूंढा, क्या क्या बातें पता चली। मनु, कहां हो तुम? मैं आ रहा हूं। मनु, जल्दी गाड़ी निकालो। उसके गायब होने के ठीक 11 दिन बाद पहाड़ के पीछे की ओर से एक जोर से चीखने की आवाज आई। हम अपनी लाइफ में तब बहुत खुश थे, पर वाइफ के साथ साथ होने वाला बच्चा भी उसी दिन खत्म हो गया। इसका मतलब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? जिस दिन वो गायब हुई वो प्रेग्नेंट थी। 7th मंथ।
गौतम, इन सब में कोई तो कनेक्शन है। इन सब की वजह है उस गांव का भूत। गौतम, मैंने फिर से सबको फोन किया। इन सब केसेस में 7 लेडीज प्रेग्नेंट थी। बाकी एक दो केसेस में मैंने पता लगाने की कोशिश की, पर घर वाले कंफर्म नहीं कर पाए कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। ये तो क्लियर है कि हर बार ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज गायब हुई हैं। डॉक्टर। क्या? फैमिली के अलावा सिर्फ डॉक्टर को प्रेगनेंसी का पता होता है। इस इलाके में वो इकलौता डॉक्टर है। वो उस दिन न घर पे था न क्लिनिक पे। गौतम, इजी, पेशेंट से काम लो। बिना कॉन्फर्मेशन के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो क्या करूं? मत भूलो, पुलिस हमारे पीछे है। वो डॉक्टर खुद अपना गुनाह कबूल करेगा? शायद मैं कुछ कर पाऊं। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं, काफी सुस्त रहने लगी हूँ, जी बहुत मचलता है और मन करता है पूरा दिन खट्टाई खाती रहूं। सही जगह पर आई हो मैडम, बच्चों को पैदा करने में डॉक्टर साहब एक्सपर्ट है। ए, जाके दो चाय लेकर आ। क्लिनिक जा रहा हूं मैं, तुम लोग यहीं रुकना। ठीक है सर। अच्छा, कितने दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है? 3 दिनों से। तुमने किसी और डॉक्टर को दिखाया? नहीं सर। शादी हो गई? वो तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना ना, इसीलिए पूछा। बुरा मत मानना। नमस्ते सर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड साथ आया है? नमस्ते सर। कैसे बद्री, सब ठीक? पुलिस स्टेशन आया था पर आप थे नहीं। चिंता मत कर, तेरा काम मैं कर दूंगा, पुलिस स्टेशन में मिल लेना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। तबीयत नासाज है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। गौतम को जानते हो ना, मैं उसे ढूंढ रहा हूं एक केस के सिलसिले में। आखिरी बार हेगड़े के फंक्शन में देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। क्यों, क्या किया उसने? वो अगर कहीं भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करना। उसके साथ एक लड़की भी थी। मेरी एक पेशेंट है, टॉयलेट गई है। ठीक है, कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला करना, मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास। मैडम दरवाजा खोलो, शराफत से बाहर आ जाओ, नहीं निकली तो दरवाजा तोड़ दूंगा, खोलो। संध्या बाहर आ जाओ। ये क्या चल रहा है यहाँ? अरे अरे रे रे रे, मुझे क्यों, क्या किया, क्या किया मैंने? हिंदू कहाँ है? कौन हिंदू? मैं किसी हिंदू को नहीं जानता। लौत का भूत बात से नहीं मानेगा। तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं रहा हूँ। यहाँ हर साल 7 जुलाई को किसी न किसी प्रेग्नेंट लेडी को किडनैप किया जा रहा है। अगर तुम अनुसुईया की बात कर रहे हो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मम्मी की कसम। कौन अनुसुईया? अनुसुईया भट्ट, फर्स्ट मिसिंग केस, जिस दिन अंगारा मरा उसी दिन गायब हुई। अनुसुईया के बारे में क्या जानता है? बताता हूँ, इसे हटाओ। मैं और अनुसुईया कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डिग्री मिलने के बाद मैंने यहाँ पर आकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। असंजोग की बात यह है कि शादी के बाद अनुसुईया भी यहीं पर आ गई। हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे शक था कि वो बच्चा मेरा है। हम दोनों का अफेयर चल रहा था। एक दिन की बात है, मैं उसके घर पर गया हुआ था, तभी किसी के आने की आहट सुनी, मैं वहां से भाग निकला और उसी दिन के बाद से अनुसुईया गायब है। उसके ठीक 11 दिन बाद मैंने पहाड़ की ओर से चीखने की आवाज सुनी। मैं पूरी तरह से कांप गया, मुझे पक्का यकीन था वो चीख अनुसुईया की थी। मैं इतना डर गया कि जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। और उससे भी बुरी बात, किसी से भी ये सब मेरी ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये दर्द लेकर अंदर ही अंदर मैं घुट रहा था। अरे अरे, क्या सर, जल्दी सर, सर।
क्या हुआ आपको? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब इस सब के पीछे वो डॉक्टर है? कुछ भी कहो, मुझे यकीन नहीं है। मेरी किस्मत खराब, अगर इंस्पेक्टर नहीं आता तो सब उगलवा लेता। सुनो, इन डॉक्यूमेंट्स को घर में रखना ज्यादा सेफ होगा। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। थैंक्स। अतिथि देवो भव। ये कौन है? मेरी पत्नी है, सालों पहले देहांत हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। यहाँ आपका नाम तिंकबेल रविंद्र भट्ट लिखा है। ये वो नाम है जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। यहाँ के लोक नाटकों में मेरे अभिनय को देखकर मेरी काफी प्रशंसा हुई। कालिंगा नाम के एक कलाकार थे तो लोग मुझे भी कालिंगा नाम से पुकारने लगे और यही मेरा नाम पड़ गया। गौतम, अब क्या सोचने लगे? आगे क्या करना है? आई एम रियली कंफ्यूज्ड। मुझे वो डॉक्टर तो इनोसेंट लगा, और कौन है जो प्रेगनेंसी के बारे में जानता है? नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। मेरा पूरा नाम तिंकबेल कालिंगा भट्ट है, मैं यहाँ का पोस्ट मास्टर हूँ। यहाँ आपका नाम तिंकबेल रविंद्र भट्ट लिखा है। ये कंप्लेंट टीआर भट्ट ने लिखवाई है। मिसिंग पर्सन 2001 अनुसुईया भट्ट। मेरी पत्नी है, सालों पहले देहांत हो चुका है। मेरा अनुसुईया के साथ अफेयर था, हम दोनों मिलने जुलने लगे, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे शक था कि वो बच्चा मेरा है, हम दोनों का अफेयर चल रहा था। तुम्हारे जो भी लेटर्स आएंगे मुझसे आकर ले जाना। अनुसुईया भट्ट, वाइफ ऑफ टीआर भट्ट, तिंकबेल रविंद्र भट्ट। इसका मतलब ये कालिंगा की रिपोर्ट है। तो पहले क्यों नहीं बताया? गौतम, क्या? गौतम प्लीज, गौतम लीव सब बताता हूँ। गौतम, कलिंगा ने कोई रिपोर्ट लिखवाई ये मुझे नहीं मालूम है। सब लोगों को कलिंगा ने यही बताया था कि बच्चे की डिलीवरी के समय मायके में उसकी मौत हुई थी। उसका इससे क्या कनेक्शन है? डॉक्टर की लैब रिपोर्ट सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचती है। डॉक्टर के अलावा उन रिपोर्ट्स को सिर्फ कालिंगा ही पढ़ सकता था। जब भी कोई अपने किसी करीबी को खोता है तो हमारा दिल दिमाग हमें ये बार बार एहसास दिलाता रहता है कि वो शख्स हमसे कहीं दूर नहीं है, बल्कि कहीं आसपास ही है। अनुसुईया, आप आ गए इतनी जल्दी? कौन था वो? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन था वो? कौन? मैंने पूछा कौन था वो? नाम बता उसका, उसका नाम बता अनसुईया, नाम बता। कौन था वो? तो ये है वो।
अनुसुईया, रात को नींद आई ना? कुछ चाहिए तुम्हें? भूख लगी होगी ना? कुछ खाने के लिए लाऊं? मैं तो भूल ही गया, तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना? लड्डू लाया हूं मैं, लो खाओ। मैं उसकी वेशभूषा में आऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अब तो मुझे प्यार करोगी ना? तुम्हें इसी तरह का चेहरा पसंद है ना? बोलो अनसुया, बोलो अनसुया। मैंने जाकर पुलिस को खबर कर दी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? गौतम वेट अ मिनट, आपने कहा हर साल अंगारा जलसे की 11वीं शाम को चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। डॉक्टर ने भी अनुसुईया के बारे में यही कहा था ना गौतम? करेक्ट, पहाड़ की ओर से। उसी जगह तो कलिंगा का एक पैतृक घर भी है, और तो और उसका वो घर सालों से वीरान पड़ा है। 11वां दिन यानी 18th जुलाई, मतलब आज। वहाँ जाकर हमें कुछ तो पता चल ही सकता है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। कैसे होगा ये सब? पुलिस इस तरफ से। जाना है। यकीन मानो मैं किसी अंगारा को नहीं जानती। झूठी है तू। अंग
में सिर्फ रेत माफिया, बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस के अलावा पुलिस अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी की जानकारी आपको जल्द से जल्द। हाय। हे। थैंक्स। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। ये कि मैं हाँ? किसी से मिलवाना है। So cute. कोई और भी मिलना चाहता है तुमसे। आओ।
थैंक यू। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? अपने बीते कल की तलाश मत करना, क्योंकि तुम्हारा आज बहुत सुनहरा है। बाय गौतम।